हेलो गाइस, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एक पुलिस वाले की जाबाजी की कहानी, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा कर दिया है कि सब लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी क्या है, ये पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। सो गाइस, आपने वासुदेव के बारे में तो पता ही होगा आपको। जब वासुदेव यमुना नदी को पार किए थे और जब उनके सर के ऊपर कृष्ण भगवान जी थे, तब उन्होंने मुश्किलों का सामना किया था। पर कृष्ण भगवान जी को वहां तक पहुंचाने के लिए, गोकुल तक पहुंचाने के लिए हार नहीं मानी थी, और उस वक्त नदी के पानी ने भी उनको बहुत ज्यादा मदद की थी। उसी तरीके से कलयुग के वासुदेव का मामला सामने आया है, जो कि वडोदरा से आ रहा है। आपको पता ही होगा कि वडोदरा में काफी जगह पर बाढ़ आई हुई है और काफी ज्यादा एरिया पानी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, और उसी जगह पर पुलिस कर्मचारी उनको बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और उसी जगह पर जब एक पुलिस कर्मचारी एक घर पर पहुंचे, तब वहां पर पानी भरा हुआ था और वहां पर बच्चे भी थे और एक लेडी थी, और साथ में उस औरत के साथ में एक डेढ़ महीने की बच्ची थी, जो कि काफी ज्यादा छोटी थी, और उसको उस पानी से निकालना था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नजदीक के छोटे टब को पकड़ा, और टब को पकड़ने के बाद उस बच्ची को टावल से लपेट के उस टब में रख दिया और अपने सर पे रख के बस उस पानी में, उस बाढ़ के पानी में निकल गए। और बाढ़ के पानी में जब वो निकल रहे थे, तब उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, और कभी कभी तो ऐसा भी चीजें हो रही थी कि उनके मुंह तक और उनके नाक तक भी पानी पहुंच रहा था। पर उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने उस बच्ची को किनारे तक पहुंचाया, और जो किनारे में लोग खड़े थे, तब वो टब को उस बच्ची को उनके हाथ में पकड़ा दिया। इस इंस्पेक्टर का नाम है गोविंद छावड़ा, और गोविंद छावड़ा से जब पूछा गया कि आप किस तरीके से इस बच्ची को उठा के लेके आए, आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, जब उनसे पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि जब मैं इस बच्चे के घर पे पहुंचा, तब वहां पर काफी ज्यादा बच्चे थे और सबसे ज्यादा छोटी बच्ची ये थी, तो मैंने सोचा कि इसको किस तरीके से लेके जाया जाए। तो उनके दिमाग में और कुछ सूचना नहीं आई, उनके दिमाग में बस यही चीज आई कि मैंने देखा कि नजदीक एक टब पड़ा है, और टब में मैंने उस बच्ची को, और उसकी माँ ने मुझे टावल दे दिया, तो मैंने बच्ची को लपेट लिया, और क्योंकि उसी में रख के मैं लेके जा सकता था, क्योंकि बच्ची काफी ज्यादा छोटी थी, और छोटी होने के कारण ना तो वो मुझे पकड़ सकती थी, और पानी के कारण ना तो मैं उसे पकड़ सकता था। तो इसकी वजह से मैंने उस बच्ची को टब में रखा, और जो हमारे अधिकारियों ने एक जगह से दूसरी जगह रस्सी लगाई हुई थी, उस रस्सी की मदद से मैं उस पानी से बाहर निकल गया और इस बच्चे की मदद कर दी। और उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश है, और इस काम से मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने 1.5 महीने की बच्ची की एकदम जान बचा दी। और इस वजह से वहां के जितने भी लोग हैं, जो उनके स्टाफ हैं, वो इस काम से इतना ज्यादा खुश है कि आप भी इसके बारे में सुन के काफी ज्यादा खुश होंगे कि एक छोटी बच्ची को इस एक पुलिस अधिकारी ने इस तरीके से बचा लिया, मतलब कि कलयुग के वासुदेव बन गए। सो गाइस, अगर आपको भी इस वासुदेव के बारे में जान के अच्छा लगा है, कलयुग के वासुदेव, तो प्लीज हमें वासुदेव करके कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आज की स्टोरी, आज की ये न्यूज सुन के आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।